चलिए अब आगे बढ़ेंगे भोपाल से बड़ी खबर। लोकसभा चुनाव पर बीजेपी की बड़ी बैठक जारी। लोकसभा के सभी क्लस्टर प्रभारियों की बैठक। बैठक में लोकसभा चुनाव को लेकर मंथन संगठन महामंत्री बीएस संतोष ले रहे हैं बैठक। मध्य प्रदेश के कई मंत्री बैठक में मौजूद। लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाई जा रही है। तो लोकसभा चुनाव पर बीजेपी की बड़ी बैठक जारी। लोकसभा के सभी क्लस्टर प्रभारियों की बैठक। तो एक बड़ी बैठक लगातार चल रही है। बैठक में लोकसभा चुनाव को लेकर मंथन किया जा रहा है। संगठन महामंत्री बीएल संतोष ले रहे हैं ये बैठक। तो मध्य प्रदेश के कई मंत्री इस बैठक में मौजूद हैं। चुनाव को लेकर दरअसल रणनीति बनाई जा रही है। लोकसभा चुनाव और आगामी महीने में लोकसभा चुनाव होने हैं, जिसको लेकर बीजेपी एक्टिव नजर आ रही है। और अच्छा प्रदर्शन करने के बाद विधानसभा चुनाव में अब लगातार बीजेपी लोकसभा चुनाव की ओर रुक कर रही है। लोकसभा चुनाव को लेकर बैठकें हो रही हैं और इस बैठक को लेकर ये जानकारी मिल रही है कि देखिए एक बड़ी रणनीति बनाई जाएगी इसमें और उस रणनीति के तहत ही काम किया जाएगा। हालांकि हमेशा से ही जो बीजेपी है वो एक्टिव रहती है और हमेशा इस तरीके से रणनीति बनाती है जैसे कि चुनाव हो, और यही वजह है कि जो संगठन है बीजेपी का वो लगातार मजबूत रहा है। अब बताया जा रहा है कि इसमें कई बड़े मंत्री बैठक में मौजूद हैं। अतुल हमारे साथ जुड़ गए हैं एक बार फिर से। अतुल, बीजेपी लगातार लोकसभा चुनाव को लेकर मंथन कर रही है, चर्चा कर रही है। विधानसभा में सफलता हासिल होने के बाद अब रुख किया जा रहा है बीजेपी का लोकसभा चुनाव की ओर। देखिए बिल्कुल, जिस तरीके से लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी लगातार कमर कर चुकी है और बैठक का दौर जारी है। इस समय अंदर क्लस्टर्स जो प्रभारी हैं उनकी मीटिंगें चल रही है, बैठकें चल रही है, जिसके अंदर तमाम जो बड़े नेता हैं वो शामिल हैं। देखिए बीजेपी के सामने यही एक मकसद है कि हर हाल में मध्य प्रदेश की जो 29 लोकसभा है उस पर कब्जा जमाया जाए, और ख़ासतौर पर छिंदवाड़ा, जिसको लेकर खुद अमित शाह कई बार उसको आकांक्षी लोकसभा कह चुके हैं। तो ऐसे में तमाम जो फोकस है वो छिंदवाड़ा पर भी होगा। इसके साथ में वो सीटें जो पिछली बार जीती हुई है, यानी वो लोकसभा जो पिछली बार जीती हुई है, उस पर कैसे वोट परसेंट बढ़ाया जाए, जातिगत समीकरण क्या रहेगा, लोगों के बीच में कैसे पेट जमाया जाए, संगठन और सत्ता के साथ चुनावी मैदान में कैसे उतरा जाए, ये तमाम जो रणनीति है वो इस समय बैठक में होते हुए दिखाई दे रही। तमाम जो बड़े नेता हैं, जिसके अंदर हम बीएल संतोष की बात करें, श्री प्रकाश जी की हम बात करें, इसके साथ में मुख्यमंत्री मोहन यादव की बात करें, बीजेपी प्रदेश बी डी शर्मा की बात करें, तमाम प्रभारियों की बात करें, वो तमाम जो लोग हैं वे इस समय बैठक के अंदर मौजूद हैं। क्लस्टर प्रभारी भी इसके अंदर मौजूद, कैलाश विजयवर्गीय की बात करें या नरोत्तम मिश्र की बात करें, विश्वास सारंग की हम बात करें, प्रहलाद पटेल की बात करें, तमाम ये जो लोग हैं इनको क्लस्टर प्रभारी बनाया गया है। यानी कि 29 जो लोकसभा है उनको 7 क्लस्टर्स के अंदर बांटा गया है। तो उनके क्षेत्र में किस तरीके की स्थितियां अभी बनी हुई है, नई सरकार से लेकर जनता के बीच में कैसी उम्मीदें हैं, कितनी काम अभी तक जनता के बीच में पहुंच पा रहा है, और खास पे प्रत्याशी क्या होंगे, क्योंकि देखिए बीजेपी के सामने इस समय काफी चुनौतियां इसलिए भी हम कह रहे हैं क्योंकि कई वो चेहरे जो मध्य प्रदेश से दिल्ली में बीजेपी का मध्य प्रदेश नेतृत्व करते थे वो विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं, जिसके अंदर हम प्रहलाद पटेल की बात करें, राकेश सिंह की हम बात करें, तमाम ये जो लोग थे, फग्गन सिंह कलस्ते की बात करें, जो लोग थे कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में इनको विधानसभा चुनाव लड़ाया गया और इनमें से कई जीते और इस समय जो मध्य प्रदेश सरकार के अंदर मंत्री भी है। तो ऐसे में उनकी जगह किनको लड़ाया जाएगा, कौन वो चेहरे हो सकते हैं जो कार्यकर्ताओं के बीच में आपसी तालमेल बिठाने के साथ साथ बीजेपी की नीति रीति और नियम जो है वो जनता तक साथ में लेके जाए, तो तमाम देखिए कहीं ना कहीं ये पहलू है इसके ऊपर आज चर्चा होते हुए बीजेपी के अंदर दिखाई दे रही है। तमाम जो नेता हैं वो बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। खासतौर पर अगर हम देखें तो देखिए वोट परसेंट बढ़ाने को लेकर जो बात की जा रही थी, बीजेपी के तमाम जो बड़े नेता है वो अक्सर ये कहते हुए सुनाई देते हैं कि मध्य प्रदेश के अंदर लोकसभा चुनाव के अंदर भी हमें वोट परसेंट बढ़ाना है, और वोट परसेंट बढ़ाने को लेकर क्या रणनीति होगी, किस तरीके से जो संगठन को मजबूती दी जाएगी, खासतौर पर 15 प्रभारियों की क्या जिम्मेदारी होगी, सेक्टर मंडल में क्या जिम्मेदारी होगी, जिला पे क्या जिम्मेदारी होगी, 15 प्रभारियों को किस तरीके से लोगों को कनेक्ट किया जाए, ये तमाम अलग अलग कुछ जो है कहीं ना कहीं बातें हैं, इसको लेके भी आज बैठक के अंदर चर्चा होती हुई दिखाई देगी। खासतौर पर तमाम जो नेता है वो बैठे होंगे, जातिगत समीकरण के साथ साथ क्षेत्रीय समीकरण क्या होंगे, जो प्रत्याशी होगा उस प्रत्याशी के साथ किस तरीके से जमीनी स्तर पर उसको ले जाया जाए, ये तमाम जो बातें हैं वो कहीं ना कहीं आज की बैठक में होते हुए दिखाई देंगे, और उसको लेकर रणनीति आज तैयार होती हुई दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल अतुल, नजर आप इस बैठक पर बना के